नमस्ते दोस्तों, और आज का जो स्पेशल सब्जेक्ट है रोड मैप, मेरा बहुत चहेता सब्जेक्ट है। कई जगह पे इसके पार्ट पार्ट में मैंने बहुत कुछ सेशन लिए हुए हैं। ये बहुत मजे वाली बात है, तो हम लोग एक एक चीज देखते जाएंगे। जर्नी सेट, दोस्तों एक बात समझ लीजिए, हमने नक्की कर लिया है कि हमारी जर्नी का, हमारी मंजिल कौन सी है। Will reach or not, or when we will reach, depends on the roadmap. But first clear the confusion, होगा कि नहीं होगा। देखिए, confusion एक ऐसी चीज है जो आदमी को भटका देती है। सबसे पहले हम पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कब पहुंचेंगे, पहुंचना पहले तो जरूरी है, पहुंचेंगे जरूर। और आपका विश्वास, आपका आत्मविश्वास आपको रियली आगे पहुंचाएगा। उसमें बहुत सी बाकी चीजें जरूरी है, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे तो हमारे दिमाग में कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन हमारी एनर्जी को किल कर डालता है। मैं हमेशा कहता हूं, आप अगर ये मानते हो यस मैं ये कर सकता हूं, आप एकदम सही है। अगर आप मानते हो कि मैं नहीं कर सकता हूं, आप एकदम सही है, क्योंकि आप वो मानते हो। और कुदरत ये कहती कि आप जो मानते हो वो होता है। सो दोस्तों, रिजल्ट पे फोकस करने के बदले में हम लोग पहले हमारी मान्यता पे फोकस, हमारे बिलीफ पे फोकस करें। मेरा उत्साह हमेशा बढ़ाते रहे। यस, जो एक्साइटमेंट होना चाहिए, जो भी आपका टारगेट होगा, एमडीआरटी टारगेट होगा, अर्ली एमडी टारगेट, यहाँ के बहुत लोग एमडीआरटी सीओटी टीओटी भी बैठे हुए, मुझे पता है। और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कंटिन्यूस एजुकेशन, ये बहुत बड़ी चीज है। सो सबसे पहले कंफ्यूजन दूर करना चाह रहा। आपको मैं और एक चीज बताऊं, बारी बारी हमारा जो दिमाग होता है ना, उसमें दिन में 60,000 से ज्यादा थॉट्स आते हैं। ये साइंस ने प्रूव किया हुआ है, 60,000 से ज्यादा एक दिन में थॉट्स आते हैं। नाउ इसमें से कुछ थॉट्स एकदम फालतू होते हैं। मैंने देखा है कभी कभी कुछ लोग शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन थोड़ी सी कोई तकलीफ आती है ना, फिर उनके दिमाग में आता है होगा नहीं होगा, होगा नहीं होगा। देखो, सिचुएशन आती है, कभी कभी आप चार पांच पार्टी के पास जाओगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, कहीं कहीं आपने जो सोचा है वहां से रिजल्ट नहीं मिलेगा, प्रोस्पेक्ट प्रॉब्लम है, जो भी आपको प्रॉब्लम जो भी लग रहा है ना, वो लग रहा है। नाउ मैंने हमेशा बोला कि 60,000 से ज्यादा एक दिन में थॉट्स आते हैं। इसमें मेरे ख्याल से 59,000 तो ऐसे थॉट्स से एकदम यूजलेस थॉट्स, हमारे कोई काम के थॉट्स नहीं। मैं हमेशा सोच रहा हूं थॉट्स आते कहां से। मैं आपको सिंपल चीज बताऊं दोस्तों, एक बात समझ लीजिए, हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आते हैं वो आते रहते हैं, लेकिन सावधान आदमी होगा जिसको रियली गारंटीड अचीव करना है। मैं आपको एक कनेक्शन देता हूं, पावरफुल कनेक्शन, कि आपको कभी निराशा ना आवे, आपको कभी भी डिमोटिवेशन ना आवे, कभी भी निरुत्साह ना हो जाए। ये तीनों चीज हो गई ना तो जीत तो हमारी है। तो दोस्तों, ये कर कौन सकता है, ये कौन कर सकता है, मैं आपको बता दूं। सबसे ऊपर इस ब्रह्मांड, जब आपने कोर्स ज्वाइन किया है, इसका मतलब गारंटीड है कि आपका भगवान एमडीआरटी सीओटी टीओटी आपका जो भी टारगेट है वो करवाना चाहते हैं, फॉर श्योर। इसके लिए आपके दिमाग में आइडिया भेजा, इसके लिए आपको मैसेज मिला, इसके लिए आप ज्वाइन कर पाए और आप जुड़े हुए हो। एक इसकी मर्जी है, भगवान की मर्जी। तो भगवान ने पहले मैसेज भेजा। अच्छा, भगवान ने हमारे लीडर लोग के दिमाग में क्यों भेजा, मुकेश भाई के दिमाग में क्यों भेजा? उनको ही बोला, भाई बहुत लोग का तुमको करवाना है
और शुरुआत से कुछ लग जाओ तो बहुत लोग को बहुत फायदा मिले, बहुत लोग के मार्च के पहले करने। नाउ वो आइडिया परमात्मा ने भेजा, तो हमेशा अच्छे विचार आते रहना चाहिए, इसके लिए परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊं, परमात्मा की कृपा हमारे पे हमेशा बरसती रहती है। जैसे सूर्यनारायण हम सबको धूप देते हैं, सबको प्रकाश देते हैं, लेकिन कोई अंधेरे में जाके बैठ जाए तो उसको प्रकाश नहीं मिलेगा। कोई धूप आ रहा है लेकिन वो छाता लेके बैठ जाए तो उसके ऊपर प्रकाश नहीं आएगा। तो हमें एक काम करना है और इसके लिए परमात्मा की कृपा होनी चाहिए। इसके लिए मैंने यहां से लिखा है, देखिए कोई भी बिजनेसमैन, जब भी कोई बिजनेस शुरू करता है ना, आप देखना कोई भी बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस शुरू करता है तो भगवान की पूजा रखवाता है। हर एक धर्म के लोग अपने अपने भगवान की पूजा रखवाते, एक शुरुआत करते हैं। तो मैं अभी आपको हमेशा बोलूंगा, मैंने बहुत लोग को पूछा, आपने एजेंसी की शुरुआत की तो क्या भगवान की पूजा करके सबको बुला के सबके आशीर्वाद लेके दिए किया क्या? तो बहुत लोग ना बोलते, बोले ऐसे ही शुरू कर लिया। बोला ठीक है ऐसे ही शुरू कर लिया, कोई वादा नहीं। जब पता चले हमारे में शादी करते हैं सब कुछ करते तो भगवान का आशीर्वाद लेके करते, तो क्यों ना जो कोई काम करना है भगवान के आशीर्वाद उसके अंदर मिल जाते हैं तो सक्सेस जरूर मिल जाते हैं, क्योंकि भगवान के आशीर्वाद हम ले रहे हैं। सो यस, सो हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो सबसे पहले करना है क्या, होगा कि नहीं होगा, मैं इसे बाहर आ जाना है। पक्का होगा, जरूर होगा, मैंने हमेशा देखा हुआ है। आपने बहुत से गेम देखे होंगे, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन हम इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए, टेक ब्लेसिंग ऑफ गॉड गुरु एंड पेरेंट्स। आपने ले लिए होंगे, अगर रह गए हैं कि भाई ऐसे ही कर लिया, ऐसे ही चालू कर लिया, कोर्स भी ज्वाइन कर लिया, गुरु तो आ गए, माता पिता और भगवान, गुरु तो हम लोग के रूप में आप सामने बैठे ही हो, हमको भगवान ने रोल दिया है। सो एक का तो मिल गया, बाकी अगर दोनों की भी बाकी है तो पहले ले लीजिए, क्योंकि इनके जो आशीर्वाद है, तो कहा जाता है जो बात दवा नहीं कर सकती वो दुआ कर सकती, और दुआ आपका रास्ता आसान कर लेता। आज का मेरा सब्जेक्ट है रोड मैप, आपका रास्ता आसान करने के लिए ये तीनों की दुआ बहुत जरूरी है। तो दुआ ले ली होगी, नहीं ली होगी तो ले लीजिए, शुभस्य शीघ्रम, कभी भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। नाउ डिसाइड ए रोड मैप एंड स्टार्ट। हमें क्या करना पड़ेगा, कौन से रास्ते से जाना है और हमें शुरुआत करना पड़ेगा। सो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमारा रास्ता चुनना है। देखिए रास्ते हजारों है, अनेकों तरीके से एमडीआरटी हो सकता है, डिफरेंट तरीके से हो सकता है, लेकिन मेरा खुद का रास्ता, मुझे कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है, मुझे कौन से रास्ते से कंफर्टेबल लग रहा है, तो मुझे लगता है कौन से रास्ते से मैं पहुंच सकता हूं। जैसे देखिए अभी कहीं भी पहुंचना है तो बाय रोड जा सकते हैं, बाय रोड मीन्स चल के जा सकते हैं, चल के जाने में भी अलग अलग रास्ते, आप देखना गूगल मैप पे डालेंगे ना तो अनेकों रास्ते दिखाता है, तो चल के जा सकते हैं, साइकिल पे जा सकते हैं, मोटरसाइकिल पे जा सकते हैं, बस में जा सकते हैं, ट्रेन में जा सकते हैं, रिक्शा में जा सकते हैं, कैब में जा सकते हैं, फ्लाइट में जा सकते हैं, इवन ट्रेन में भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेन है, सुपर फास्ट है। सो हमें हमारा रास्ता ढूंढना है, हमारा तरीका ढूंढना है, और उसमें क्या होता है, आपको कॉस्ट कौन सा पड़ता है, और हमेशा कॉस्ट से ज्यादा ये देखना कि मेरे लिए पॉसिबल तरीका कौन सा है। तो पहले मेरे रास्ता ढूंढना है,